हेलो फ्रेंड, आज अपना चैप्टर चल रहा था फोर लेजर, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लास्ट 9 करेंगे। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट से लेके 8 तक सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करा दिए। अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आगे के जो भी चैप्टर है वन बाय वन करके मैं सारे आपको चैप्टर कराऊंगा। डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा आपको टफ लगेगा और थोड़ा आप सोचोगे डर गए रह गए ये सब देख के, पर डोंट वरी, एकदम सिंपल है। मैं बुक में जाके सम सॉल्व कराऊंगा तो डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छे से आ जाएगा। क्या बोल रहे, द फॉलोइंग लेजर बैलेंस वेर एक्सटेंडेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ पवन पवार। तो इन द बुक्स ऑफ क्या रहेगा, पवन पवार, पुणे ऑन 1 जुलाई 2019। करना कुछ नहीं है, जो आपको दिया ना डेबिट बैलेंस अमाउंट, क्रेडिट बैलेंस अमाउंट, मतलब क्या करना है आपको, जो भी ये मशीनरी कहाँ पर है, डेबिट बैलेंस, तो मशीनरी अकाउंट, लेजर अकाउंट मशीनरी का बना है, डेबिट में क्या लिख देना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब जो जो अकाउंट आए गए उस अकाउंट में क्या लिख देना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब डेबिट वाले के लिए क्या आ जाएगा, टू बैलेंस, बैलेंस क्या आ जाएगा, ब्रॉट डाउन आ जाएगा, और क्रेडिट वाले के लिए क्या आ जाएगा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन रहेगा। क्लियर है, दोनों के लिए सेम ही रहेगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। खाली डेबिट वाले में टू लिखते हैं, क्रेडिट वाले में क्या लिखते हैं, बाई लिखते हैं, क्योंकि क्रेडिट वाला कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, और डेबिट वाला कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। सेम एज अ मशीनरी दिया है 4,40,000, तो मशीनरी अकाउंट बना के डेबिट में लिख देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,40,000। रश्मीज अकाउंट दिया है तो रश्मीज अकाउंट को बना के डेबिट में लिख देंगे, परचेज अकाउंट है तो परचेज अकाउंट बना के लिख देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सेम एज अ क्रेडिट बैलेंस में परचेज रिटर्न दिया तो परचेज रिटर्न अकाउंट की बना के लिख देंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सेल्स दिया है तो सेल्स अकाउंट बना के, जैसे सारे दिए सारे अकाउंट बना के लिख देंगे। मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेरे साथ आप करोगे तो डेफिनेटली आपको सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ गए रहेंगे। और मेरी थोड़ी सी भी मेहनत आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंस वेर एक्सटेंडेड फॉर द बुक्स ऑफ पवन पवार पुणे एज ऑन 1 जुलाई 2019। मतलब सारा बैलेंस कहाँ दिया है, 1 जुलाई 2019 का दिया गया। जैसे आप सभी को पता है यहाँ पर उसके बाद क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा दिया है, उसके बाद हमें क्या प्रिपेयर करना है, यहाँ पर देखोगे तो हमें ट्रायल बैलेंस भी क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो डोंट वरी, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना वन ऑफ द सिंपल ही है। तो यहाँ पर जैसा मैंने जर्नल एंट्री बनाई, क्योंकि जर्नल एंट्री बनाएंगे तो ही लेजर आएगा, 2 पेज मैंने जर्नल एंट्री लगाई, थोड़ा बड़ा समय। और लेजर देखो ऑलरेडी मुझे पता है वेरी फर्स्ट कौन सा अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट बनेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कैश अकाउंट का ऑलरेडी मैंने बना दिया, कैश के बाद क्या रहेगा मशीनरी, मशीनरी के बाद क्या रहेगा रश्मि, ऐसे करके मैंने क्या कर दिया सारे अकाउंट क्या कर दिया, यहाँ पर जितने भी अकाउंट दिए सारे का क्या कर दिया लेजर, आप देख सकते हो मैंने परचेज रिटर्न है सेल से सारे अकाउंट क्या कर दिए बना दिए। यहाँ पर आप देखोगे तो कैपिटल अकाउंट है पवन्स कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट बनेगा, इंटरेस्ट अकाउंट और राकेश अकाउंट सारे, और कुछ मैंने ऐसे खाली भी ब्लैंक भी रखे हैं क्योंकि आगे जब करेंगे तो हम नाम यहाँ पर ऐड होगा। क्लियर है, तो आप भी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप भी ऐसा बना के रेडी रखिए और हम मिलके साथ में सम करते हैं। तो वेरी फर्स्ट अगर डेबिट बैलेंस, तो सारा बैलेंस कहाँ आ जाएगा डेबिट, अभी डेबिट बैलेंस है तो क्या आएगा, टू बैलेंस क्या आ जाएगा ब्रॉट डाउन आ जाएगा। क्लियर है, टू सब में क्या आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, क्रेडिट रहेगा तो क्या रहेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन रहेगा। क्लियर है, बाय बैलेंस क्या रहेगा ब्रॉट डाउन, खाली कुछ नहीं। देखो ये पहला कौन सा अकाउंट बनेगा, कैश, कैश का कितना दिया है 1,00,000, और कौन सा बैलेंस है डेबिट, तो कैश की डेबिट साइड यहाँ पर क्या लिखी गई 2019, और डेट क्या दिया है जुलाई 1, क्यों जुलाई 1 का ये सारा बैलेंस है, यहाँ पर क्या आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन रहेगा। क्लियर है, टू यहाँ पर क्या आ जाएगा बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस को नाम क्या देते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कैश का कितना दिया है 1,00,000, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1,00,000। सेम एज अ मशीनरी का भी यहाँ पर आ जाएगा 2019, यहाँ पर क्या रहेगा जुलाई 1, क्या रहेगा यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन रहेगा। क्लियर है, वन ऑफ द सिंपल ये टू बैलेंस क्या रहेगा ब्रॉट डाउन रहेगा। अमाउंट कितना है मशीनरी का 4,40,000, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 4,40,000 आ जाएगा। सेम एज उसके बाद क्या रश्मीज कैपिटल अकाउंट, सॉरी रश्मीज कैपिटल अकाउंट मिला यहाँ पर, तो रश्मीज अकाउंट रहेगा, कैपिटल अकाउंट नहीं रहेगा, सॉरी जरा मैं गलती से यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लिख दिया, तो रश्मीज अकाउंट यहाँ पर रहेगा 2019 रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा जुलाई 1, यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन रहेगा। अमाउंट कितना दिया है 70,000, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 70,000 आएगा, यहाँ पर रश्मीज अकाउंट रहेगा। क्लियर, रश्मीज अकाउंट कितना रहेगा 70,000। सेम एज आगे परचेज दिए तो परचेज में भी सेम लिखेंगे, डेट रहा क्या रहेगा 2019 अपना क्या रहेगा जुलाई 1, क्या रहेगा यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन रहेगा। क्लियर, अमाउंट कितना रहेगा 1,30,000 रहेगा।
तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप भी मेरे साथ लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा। जैसा आप देख सकते हो सारा क्रेडिट का बैलेंस कहाँ लिख दिया मैंने, क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन करके लिख दिया। जैसे डेबिट का बैलेंस रहेगा तो डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करके मैंने सारा क्या कर दिया, लिख दिया है। आगे ये पेज का काम हो गया। अभी उसके बाद क्या बोल रहे हैं अगर देखोगे तो इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल कितना दिया है, 40,000 दिया गया। यहाँ पर ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अपना जुलाई मंथ का है और एडिशनल कैपिटल कितना दिया गया है, 40,000 दिया गया। तो उसका जर्नल एंट्री बात करूँ तो एंट्री क्या रहेगा यहाँ पर, कैश अकाउंट डेबिट यहाँ पर क्या रहेगा 2019, यहाँ पर क्या रहेगा जुलाई फर्स्ट क्या रहेगा, कैश अकाउंट क्या रहेगा डेबिट। तो यहाँ पर कैश अकाउंट क्या रहेगा डेबिट टू किस चीज़ का पैसा है ये कैपिटल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। अमाउंट कितना दिया गया है 40,000 दिया गया है, मुझे कितना दिया गया है 40,000 दिया गया है। तो अभी देखो कैश कहाँ पर है डेबिट में, तो कैश अकाउंट जो मैं बनाया उसकी कहाँ लिखूंगा डेबिट साइड में सॉरी यहाँ पर डेट आ जाएगा जुलाई फर्स्ट क्या रहेगा टू, यहाँ पर क्या रहेगा कैपिटल अकाउंट रहेगा। अमाउंट कितना रहेगा यहाँ पर 40,000 रुपीज़ रहेगा। क्लियर है, सेम एज अभी है। देखो मैंने कैपिटल अकाउंट कहाँ बनाया था, ये रहा मैंने कैपिटल अकाउंट कहाँ बनाया क्रेडिट में, तो कैपिटल कहाँ पर है क्रेडिट में, तो यहाँ पर जुलाई फर्स्ट क्या रहेगा बाई कैश अकाउंट, क्यों अपनी बुक में अपना नाम रही था, किसका नाम रहेगा सामने वाले का नाम रहेगा, कितना रहेगा 40,000 रुपीज़ रहेगा। जैसे कैपिटल कहाँ था क्रेडिट में, तो कैपिटल की कहाँ लिखा था क्रेडिट से, नाम किसका आएगा टू बाई कैश अकाउंट रहेगा। अमाउंट कितना रहेगा 40,000 रहेगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया रहेगा मैं क्या कर रहा हूँ। आगे क्या बोल रहे हैं, ब्रॉड का मतलब क्या रहेगा, परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश रुपीज़ 80,000 एट ए 10% क्या बोल रहे ट्रेड डिस्काउंट। एक बात बताओ ब्रॉड का मतलब क्या रहेगा, परचेज, परचेज कर रहे तो एंट्री यहाँ पर ही मैं सिंपली आपको करके बताऊँ तो एंट्री क्या रहेगा, परचेज अकाउंट क्या रहेगा डेबिट राइट टू किसके पास से गुड्स खरीद रहे राकेश, तो टू यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा राकेश अकाउंट आ जाएगा। अभी कितना है देखो 10% ट्रेड डिस्काउंट, 80 का 10% मतलब 80,000 तो है, 10% निकालोगे तो कितना आएगा 8,000 आएगा। क्लियर है, क्योंकि 10% बोले तो एक जीरो क्या करने का निकाल देने का, तो 80 का एक जीरो निकाल दोगे तो 8,000, तो आंसर कितना आएगा 72,000 आएगा। तो परचेज कितने का कर रहे हैं 72,000 का, राकेश भी कितना रहेगा 72,000 का रहेगा। तो परचेस की कहाँ लिखेगी डेबिट साइड, तो यहाँ पर अगर मैंने परचेस अकाउंट कहाँ बनाया ढूंढना पड़ेगा, अभी यहाँ पर रहेगा एंट्री मैं लिखूँ जुलाई 4 क्या रहेगा परचेस की डेबिट साइड में टू, नाम किसका रहेगा राकेश अकाउंट रहेगा। क्लियर है, अमाउंट कितना रहेगा यहाँ पर 72,000 रुपीज़ रहेगा। क्लियर है, वन ऑफ द सिंपल है, परचेस कहाँ था डेबिट में, तो परचेस की डेबिट साइड में नाम किसका आएगा राकेश का। अभी राकेश कहाँ पर है क्रेडिट में, तो हमने राकेश अकाउंट बनाया है, हाँ जी बनाया। देखो यहाँ पर राकेश अकाउंट ऑलरेडी उसका 56,000 बैलेंस था, तो यहाँ पर क्या आएगा जुलाई 4 क्या रहेगा बाई परचेज अकाउंट रहेगा। क्लियर है, बाई क्या आ जाएगा परचेज अकाउंट रहेगा। बाकी काम जैसे करते वैसे ही है, अमाउंट कितना रहेगा 72,000 रुपीज़ रहेगा। क्लियर है, अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं सोल्ड गुड्स टू रश्मि, तो एंट्री क्या रहेगा रश्मि अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा सेल्स अकाउंट। क्लियर है, तो रश्मि अकाउंट क्या है डेबिट, तो यहाँ पर हम रश्मि अकाउंट बनाया ही है एंड में, तो रश्मि की कहाँ लिखेंगे डेबिट साइड है, सिंपल है ना। अगर रश्मि को सेल कर रहे तो एंट्री क्या रहेगा रश्मि अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा सेल्स अकाउंट। तो रश्मि अगर यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ एंट्री नंबर क्या दिया है, ये जुलाई 7 दिया गया, तो एंट्री क्या रहेगा रश्मि अकाउंट क्या रहेगा डेबिट, तो रश्मि अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा यहाँ पर सेल्स अकाउंट रहेगा। ये जस्ट खाली मैं रफली बना रहा हूँ, क्लियर आपको पता चल गया रहेगा। ये अमाउंट कितना दिया गया है यहाँ पर 30,000 दिया गया है, तो यहाँ पर भी कितना लिखेंगे 30,000। अभी रश्मि कहाँ पर है डेबिट में, तो रश्मि की कहाँ लिखेंगे हम डेबिट साइड में, तो यहाँ पर आ जाएगा जुलाई क्या दिया गया है 7,200 यहाँ पर क्या रहेगा सेल्स अकाउंट रहेगा। क्लियर है, अमाउंट कितना दिया गया यहाँ पर 30,000 दिया गया, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 30,000 आ जाएगा। अभी सेल्स कहाँ पर है क्रेडिट में, तो सेल्स की कहाँ लिखेगी हम क्रेडिट साइड आ जाएगा, यहाँ पर जुलाई क्या दिया गया है मुझे 4 दिया गया है, तो यहाँ पर सॉरी जुलाई 7 दिया गया, तो 7 आ जाएगा यहाँ पर क्या रहेगा बाई रश्मि अकाउंट रहेगा। क्लियर है, बाई रश्मि अकाउंट रहेगा। अमाउंट कितना दिया गया है 30,000, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 30,000 आ जाएगा। अभी वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्या बोल रहे हैं, रिटर्न गुड्स टू राकेश रुपीज़ कितना दिया गया है 20,000 क्रॉस। अभी सिंपल सा रिटर्न करें, मतलब राकेश के पास से हमने क्या किया था गुड्स परचेस किया था राइट, परचेज किया, तो परचेज रिटर्न कहाँ होगा क्रेडिट की, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड और परचेज रिटर्न कहाँ रहेगा क्रेडिट में रहेगा। यहाँ पर एंट्री नंबर में 9 लिखूँ तो टू परचेज रिटर्न कहाँ रहेगा क्रेडिट में रहेगा, टू यहाँ पर क्या आ जाएगा परचेज रिटर्न अकाउंट
कितने का गुड्स कर रहे हैं हम, देखो यहाँ पर क्या बोले, ग्रॉस, ग्रॉस मतलब हमें क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना बाकी है, क्लियर है। तो अगर सिंपल सा अगर गुड्स किसके पास आ रहा है, यहाँ पर राकेश के पास, तो एंट्री क्या रहेगा, राकेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अभी 20,000 का गुड्स से क्रॉस बोला है, तो नेट प्राइस के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना आएगा, 10%, मतलब 20 का 10% निकालोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2000 आएगा। तो गुड्स कितने का हम रिटर्न कर रहे हैं, 18,000 का गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना रहेगा, 18,000, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 18,000। उसके बाद वाला भी देख लेते ना, क्या बोल रहे, रश्मि रिटर्न गुड्स टू अर्स, मतलब रश्मि क्या कर रहा है, हमें गुड्स रिटर्न कर रहा है, और रश्मि को हमने क्या किया था, गुड्स सेल किया था, याद है। अभी सेल्स रिटर्न कहाँ रहेगा, डेबिट में, क्योंकि सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, तो सेल्स रिटर्न कहाँ रहेगा, डेबिट में। तो यहाँ पर आ जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट, कितने से डेबिट बोला है, 400 का, और टू किसके पास से गुड्स जाएगा, रश्मि के पास से गुड्स क्या होगा, जाएगा, क्लियर। अमाउंट कितना लिखेगी हम, 400 रुपीज़ लिखेगी, क्लियर। अभी देखो राकेश कहाँ था, डेबिट में, तो राकेश की कहाँ लिखेगी हम, डेबिट साइड। जैसे अभी यहाँ पर राकेश कहाँ गया, हाँ राकेश कहाँ है, डेबिट में, तो राकेश का क्या लिखेंगे, डेबिट में। यहाँ पर 2019, यहाँ पर जुलाई क्या दिया गया है मुझे, यहाँ पर अगर देखोगे तो राकेश कहाँ है, डेबिट 9 में, तो राकेश की कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड, क्लियर है। नाम किसका रहेगा, परचेज रिटर्न अकाउंट रहेगा, अमाउंट कितना रहेगा, 18,000 रुपीज़ रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा परचेज जुलाई 9, अमाउंट कितना रहेगा, यहाँ पर परचेज रिटर्न रहेगा 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, परचेज रिटर्न अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है, परचेज रिटर्न अकाउंट आ जाएगा। अमाउंट कितना दिया गया है, 18,000 दिया गया। अभी परचेज रिटर्न कहाँ पर है, क्रेडिट में, तो हमें परचेज रिटर्न की कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड। देखो परचेज रिटर्न कहाँ पर है, क्रेडिट में, तो परचेज रिटर्न की क्रेडिट साइड। यहाँ पर क्या रहेगा, जुलाई हमें 9 दिया गया है, क्या आ जाएगा, बाय राकेश अकाउंट रहेगा, क्लियर है, बाय क्या रहेगा, राकेश अकाउंट रहेगा। अमाउंट कितना रहेगा, 18,000 रुपीज़ रहेगा, क्लियर है। सेम एज यहाँ पर क्या है, सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या है, डेबिट 2 किसका नाम है, रश्मि का नाम है। यहाँ पर डेट दिया गया 11, तो सेल्स रिटर्न कहाँ पर है, डेबिट में, तो सेल्स रिटर्न की कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड। यहाँ पर क्या रहेगा, जुलाई 11 क्या रहेगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर किसका नाम है, रश्मि का नाम है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 रश्मि अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है। 2 यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, रश्मि अकाउंट आ जाएगा। अमाउंट कितना दिया गया है मुझे, 400 रुपीज़ दिया गया है। सेम एज रश्मि कहाँ पर है, क्रेडिट में, तो रश्मि की कहाँ लिखेगी मैं, क्रेडिट साइड। अगर यहाँ पर रश्मि कहाँ पर है, क्रेडिट में, तो रश्मि की क्रेडिट साइड 2019, यहाँ पर जुलाई क्या रहेगा, 11, यहाँ पर क्या रहेगा, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट रहेगा, क्या रहेगा, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। अमाउंट कितना रहेगा, 400 रुपीज़ रहेगा, क्लियर है। वन ऑफ द सिंपल है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप सब मेरे साथ करते रहोगे तो डेफिनेटली ईजिली आपको आएगा। अभी क्या बोल रहे हैं, पेड राकेश 40,000 एट अ 2% क्या बोल रहे हैं, कैश डिस्काउंट, मतलब 2% हमें क्या लेना है, कैश डिस्काउंट लेना है। पे कर रहे तो पैसा अपने पास आएगा कि जाएगा, जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री नंबर में कितना दिया गया है, 14 दिया गया है। पे करोगे तो मेरे पास से क्या होगा, कैश जाएगा। कितना कैश जाएगा, पूरा 40,000 जाएगा, नहीं, उसका 2% क्या मिल रहा है, कैश। और ये पैसा किसके पास आएगा, राकेश के पास आएगा। तो यहाँ पर किसका नाम लिखूँ मैं, राकेश अकाउंट लिखूँ। राकेश को कितना पैसा पे कर रहे हैं, पूरा 40,000 रुपीज़ पे कर रहे हैं, क्लियर है। राकेश को कितना पैसा पे कर रहे हैं, 40,000, और अपने पास से कैश जाएगा, नहीं, थोड़ा बचेगा, उसको क्या बोलेगे हम, डिस्काउंट रिसीव बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, डिस्काउंट रिसीव बोलेंगे, या तो क्यों, क्योंकि ये पैसा 40,000 पे करना था, हम 2% क्या मिल रहा है, हमें डिस्काउंट मिल रहा। तो एक जस्ट एग्जाम्पल, 40,000 का कितना निकालना है, 2% निकालना है, तो 200 गया, कितना आ जाएगा ये, 4800 रुपीज़ क्या मूल्य मूल्य डिस्काउंट रिसीव। और यहाँ पर कैश कितना जाएगा मेरे पास से, 39,200 रुपीज़ क्या होगा, मेरे पास से कैश जाएगा, क्लियर है। वन ऑफ द सिंपल, अभी देखो राकेश कहाँ पर है, डेबिट में, तो राकेश की कहाँ लिखेगी, क्योंकि हमें देखो पे कर रहे तो पैसा जाएगा और डिस्काउंट रिसीव मिलेगा, क्लियर है। आप किसी को पैसा पे करोगे तो ही आपको डिस्काउंट रिसीव मिलेगा। तो राकेश कहाँ पर है, डेबिट में, तो राकेश की कहाँ लिखेगी हम, डेबिट साइड में। यहाँ पर राकेश कहाँ गया, बनाया है हमने, बना, हाँ, तो राकेश कहाँ पर है, डेबिट में, तो राकेश की कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड में लिखेंगे। यहाँ पर डेट आ जाएगा जुलाई 14, देखो राकेश कहाँ था, डेबिट में, और क्रेडिट में कितने लोग का नाम था, 2 लोग का नाम था, तो अपना अपना पैसा आएगा, क्लियर है। 2 यहाँ पर आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव, और 2 आ जाएगा कैश अकाउंट आ जाएगा। 2 यहाँ पर रहेगा डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, क्लियर है। 2 यहाँ पर आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, कितना है, 800, और 2 यहाँ पर क्या रहेगा, 39,200 रुपीज़ क्या रहेगा, 2 कैश अकाउंट रहेगा, क्लियर है। 2 यहाँ पर क्या रहेगा, कैश
अकाउंट रहेगा यहाँ पर आ जाएगा, जुलाई 14 आ जाएगा, क्लियर है। अभी देखो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट बनाया नहीं है तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, अकाउंट आपको पूरा बनाना पड़ेगा, क्लियर है। ऑलरेडी मैंने देखो इसके लिए बना के ही रखा है तो करने की ज़रूरत नहीं है। अभी डिस्काउंट रिसीव कहाँ था, क्रेडिट में, तो डिस्काउंट रिसीव की कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड, यहाँ पर 2019, यहाँ पर जुलाई 14, और डेबिट में नाम किसका था, राकेश, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, राकेश का नाम आ जाएगा। अमाउंट कितना था डिस्काउंट रिसीव का, 800, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 800 रुपीज़ आ जाएगा। जैसा यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्काउंट रिसीव कहाँ था, क्रेडिट में, तो डिस्काउंट रिसीव की कहाँ लिखे, क्रेडिट में। सेम ऐसे कैश कहाँ पर है, क्रेडिट में, तो कैश की कहाँ लिखे, क्रेडिट से। नाम किसका रहेगा, डेबिट का, डेबिट का नाम किसका दिया है, राकेश का नाम हमें दिया गया है। तो कैश अकाउंट कहाँ पर है, क्रेडिट में, तो कैश अकाउंट की क्रेडिट से 2019 यहाँ पर जुलाई 14, नाम किसका दिया है, बाई राकेश, तो यहाँ पर क्या जाएगा, राकेश। और कैश का अमाउंट कितना दिया है, ध्यान से देखना, 39,200 रुपीज़ दिया गया है। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 39,200 रुपीज़ आ जाएगा, क्लियर है। वन ऑफ द सिंपल ही था। अभी क्या आगे क्या बोल रहे हैं, मेड अ परचेज 17,000, अमाउंट पेड बाई क्या है, चेक। चेक का मतलब पैसा कहाँ से जाएगा, बैंक से पैसा जाएगा। तो एंट्री क्या रहेगा, परचेज अकाउंट, डेबिट टू क्या रहेगा, बैंक अकाउंट। मेड अ परचेज मतलब परचेज अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट, और क्रेडिट में किसका नाम रहेगा, बैंक का नाम रहेगा। तो परचेज कितना लिखूँ, डेबिट में कितना आ जाएगा, 17,000। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट मैंने कहाँ बनाया है, हाँ जी परचेज अकाउंट बनाया, तो परचेज अकाउंट की डेबिट साइड थोड़ा एडवांस जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपको थोड़ा आपको करना पड़ेगा। टू परचेज अकाउंट की डेबिट में क्या रहेगा, टू यहाँ पर बैंक अकाउंट की, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, तो परचेज की डेबिट साइड। नाम किसका रहेगा, बैंक का। क्रेडिट का नाम किसका दिया, बैंक का, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट आ जाएगा। अभी बैंक कहाँ पर है, क्रेडिट में, तो बैंक की कहाँ लिखेगी, क्रेडिट में 2019, यहाँ पर क्या रहेगा, जुलाई 22 दिया गया है, तो मेरे को यहाँ पर क्या रहेगा, बाय परचेज अकाउंट रहेगा, क्लियर है। बाय क्या रहेगा, परचेज अकाउंट रहेगा। अमाउंट कितना दिया गया है, 17,000 दिया गया। तुम बोलोगे सर बैंक अकाउंट में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर बोला ही गया है ना पैसा किससे पे करे, चेक, मतलब क्या रहेगा, बैंक अकाउंट रहेगा। अभी ये भी सिंपल है, कैश सेल्स, तो एंट्री क्या रहेगा, कैश अकाउंट, डेबिट टू क्या रहेगा, सेल्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट में, तो कैश की कहाँ लिखूंगा मैं, डेबिट साइड। यहाँ पर क्या रहेगा, जुलाई 24। कैश कहाँ पर है, डेबिट में, देखो कैश सेल्स, तो एंट्री क्या रहेगा, कैश अकाउंट, डेबिट टू सेल्स अकाउंट, पैसा आएगा तो कैश अकाउंट, डेबिट, तो यहाँ पर क्या रहेगा, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना रहेगा मेरे लिए, 8,000 रुपीज़ रहेगा। और सेल्स कहाँ पर है, क्रेडिट में, तो आपको पहले सेल्स ढूंढना है। सेल्स कहाँ पर है, क्रेडिट में, तो यहाँ पर आ जाएगा जुलाई 24 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा, बाय कैश अकाउंट रहेगा, क्लियर है। अमाउंट कितना रहेगा, यहाँ पर 8,000 रुपीज़ रहेगा, क्लियर है। वन ऑफ द सिंपल है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको समझा रहेगा क्या मैं कैसे कर रहा हूँ। अभी आगे क्या, ब्रॉड का मतलब क्या रहेगा, स्टेशनरी। ब्रॉड का मतलब क्या है, परचेज क्या कर रहे हैं हम, स्टेशनरी कर रहे हैं। तो एंट्री क्या रहेगा, यहाँ पर स्टेशनरी परचेज करोगे तो अपने पास क्या रहेगा, स्टेशनरी अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू मेरे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा, क्लियर है। कितना जाएगा, 3,000 रुपीज़, कितना जाएगा, 3,000 रुपीज़ जाएगा। तो स्टेशनरी कहाँ पर है, डेबिट में, तो स्टेशनरी कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड, यहाँ पर 27, तो हमने ऑलरेडी बनाया है, देखो यहाँ पर स्टेशनरी अकाउंट, तो स्टेशनरी अकाउंट की कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। यहाँ पर क्या रहेगा, टू अपने पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट। अमाउंट कितना दिया गया है, 3,000 दिया गया है, तो मैं यहाँ पर कितना लिखूँ, 3,000, यहाँ पर अब जुलाई 27 लिख दूँ, क्लियर। अभी कैश कहाँ पर है, क्रेडिट में, तो कैश की कहाँ लिखेगी, क्रेडिट साइड, यहाँ पर जुलाई आ जाएगा 27, बाई क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्टेशनरी अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है। बाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टेशनरी अकाउंट आ जाएगा। अमाउंट कितना दिया गया है, 3,000 रुपीज़ मुझे दिया गया है, तो 3,000 रुपीज़ लिखूँगा। अभी आगे क्या बोल रहे, रिसीव फ्रॉम रश्मि रुपीज़ कितना है, 39,000, बाय RTGS एंड अलाउड डिस्काउंट कितना बोल रहे, 1,000। एक बात बताओ, पैसा हम क्या कर रहे, रिसीव कर रहे, तो अपने पास पैसा आएगा तो उसका एंट्री क्या बोलेगा, 28, पैसा आएगा तो एंट्री क्या रहेगा, रिसीव। किससे पैसा आ रहा है, RTGS का मतलब क्या रहेगा, डायरेक्ट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा गया, तो अपने पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। तो पैसा कहाँ से आएगा, बैंक से आएगा। RTGS का मतलब पैसा कहाँ से आएगा, बैंक से पैसा आएगा। कितना पैसा आएगा बैंक से, 39,000, और हम उसको क्या दे रहे, 1,000 रुपये क्या दे रहे, डिस्काउंट अलाउ। तो डिस्काउंट अलाउ क्या रहेगा, डेबिट में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउ, क्योंकि हम क्या दे रहे उसको, डिस्काउंट दे रहे, तो अपने लिए तो क्या हो गया, लॉस हो गया, तो कहाँ जाएगा, डेबिट में।
और टू यहाँ पर किसका नाम रहेगा, रश्मि का नाम रहेगा, क्लियर है। टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, रश्मि अकाउंट आ जाएगा, कितना रहेगा 40,000 रुपीज़ रहेगा, क्लियर है। सिंपल है, हमने गुड्स क्या किया है, परचेस किया है, सॉरी हम गुड्स हम क्या कर रहे थे, पे कर रहे, रिसीव का मतलब पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। क्यों, क्योंकि RTGS का मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है, बैंक से आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट रहेगा। और देखो डिस्काउंट अलाउ भी कहाँ रहता है, डेबिट, सेम एज डिस्काउंट रिसीव कहाँ रहता है, क्रेडिट साइड रहता है। जैसे मैंने यहाँ पर कहाँ बताया, डिस्काउंट रिसीव कहाँ रहेगा, क्रेडिट में, और डिस्काउंट अलाउ कहाँ रहेगा, डेबिट साइड में रहेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट है, तो बैंक अकाउंट की कहाँ लिखेंगे, पहले हम डेबिट साइड लिखेंगे, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट की डेबिट साइड। टू यहाँ पर पैसा कौन दे रहा है हमें, रश्मि दे रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा रश्मि अकाउंट। डेट क्या दिया गया है मुझे, July 28 दिया गया है यहाँ पर। कितना रश्मि पैसा दे रही है, 39,000। अभी देखो बैंक में नाम कितना दिया है, 39, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 39। बैंक का कितना दिया है, 39, तो कितना आ जाएगा, 30। अभी डिस्काउंट अलाउ हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। तुम बोलोगे सर डिस्काउंट रिसीव में लिख देंगे, नहीं, डिस्काउंट अलाउ भी हमें क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं डिस्काउंट अलाउ अकाउंट बनाऊँ, क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा डिस्काउंट अलाउ अकाउंट, अलाउड अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट। अभी वो कहाँ था, डेबिट में, तो उसकी कहाँ लिखेगी, डेबिट में 2019 यहाँ पर क्या रहेगा, July 28 किसका नाम रहेगा, यहाँ पर डेबिट में लिखेगी तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। किसको हम डिस्काउंट दे रहे थे यहाँ पर, रश्मि, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रश्मि अकाउंट आ जाएगा। अमाउंट कितना था, 1,000 रुपीज़ था, जैसा आप देख सकते हो। और देखो डिस्काउंट अलाउ कहाँ था, डेबिट में, तो डिस्काउंट अलाउ की डेबिट साइड नाम किसका लिखेगी, रश्मि। अमाउंट कितना रहेगा, 1,000। अभी रश्मि कहाँ पर है, क्रेडिट में, तो रश्मि की कहाँ लिखेगी, क्रेडिट साइड पर लिखेगी। नाम किसका रहेगा, दोनों का आ जाएगा, दोनों जन का नाम दिया था, तो यहाँ पर आ जाएगा July 28 क्या आ जाएगा, बाई बैंक अकाउंट आ जाएगा। कितना पैसा जा रहा है, 39,000 जा रहा है, और 1,000 रुपीज़ को क्या नाम देगा, उसका भी एंट्री सेम रहेगा, July 28 क्या रहेगा, बाई यहाँ पर डिस्काउंट अलाउ रहेगा, क्लियर है। बाई यहाँ पर आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है। अमाउंट कितना रहेगा, 1,000 रुपीज़ रहेगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको समझा रहेगा, वन ऑफ द सिंपल ही एंट्री है। आगे क्या बोल रहे, पेड सैलरी, तो एंट्री क्या रहेगा, सैलरी अकाउंट डेबिट। टू क्या रहेगा, कैश अकाउंट, तो हमने देखो कि सैलरी अकाउंट कहीं बनाया है, सेल्स अकाउंट है, सैलरी नहीं है, स्टेशनरी है, क्लियर है। सैलरी अकाउंट है कहीं नहीं, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, सैलरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बना दूँ सैलरी अकाउंट, क्लियर है। अभी सैलरी कहाँ रहेगा, डेबिट में, क्योंकि पे कर रहे हैं, तो सैलरी एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस कहाँ आ जाता है, डेबिट में, तो जुलाई क्या रहेगा, 29। अगर सैलरी पे करोगे तो एंट्री क्या रहेगा, सैलरी अकाउंट डेबिट, तो सैलरी की कहाँ लिखेगा, डेबिट साइड क्या रहेगा यहाँ पर। टू क्या रहेगा, कैश अकाउंट, अमाउंट कितना रहेगा यहाँ पर, 10,000 रुपीज़ रहेगा। सेम एज सैलरी का कैश कहाँ पर रहेगा, क्रेडिट में, कैश अकाउंट की कहाँ लिखेगी, क्रेडिट साइड यहाँ पर, July 29 क्या रहेगा, बाय सैलरी अकाउंट रहेगा। अमाउंट कितना रहेगा यहाँ पर, 10,000 रुपीज़ रहेगा, क्लियर है, वन ऑफ द सिंपल ही एंट्री है। आगे क्या बोल रहे, सोल्ड गुड्स टू रश्मि, तो एंट्री क्या रहेगा, रश्मि अकाउंट डेबिट। टू क्या रहेगा, सेल्स, अगर सेल कर रहे हैं तो एंट्री क्या रहेगा यहाँ पर, रश्मि अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। टू क्या रहेगा यहाँ पर, सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स ऑलवेज क्या रहता है, क्रेडिट साइड। अमाउंट कितना रहेगा, 20,000। अभी रश्मि कहाँ है, डेबिट में, तो रश्मि की कहाँ लिखेगी, क्रेडिट साइड, सॉरी रश्मि की कहाँ लिखेगी, डेबिट साइड, रश्मि डेबिट है, तो डेबिट में। टू यहाँ पर क्या जाएगा, सेल्स अकाउंट, और अमाउंट कितना दिया गया है मुझे, 20,000 दिया गया है, और डेट मुझे दिया गया है July 29 दिया गया है। अभी देखो सेल्स कहाँ है, क्रेडिट में, तो सेल्स की कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड, यहाँ पर क्या रहेगा, बाय रश्मि अकाउंट, तो ये आ जाएगा बाय रश्मि अकाउंट। अमाउंट कितना दिया गया है मुझे, 20,000 दिया गया है, क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा July 29 आ जाएगा। अभी ब्रॉड गुड्स फ्रॉम राकेश 36,000 पेड बाय चेक। ब्रॉड का मतलब क्या रहेगा, परचेज, तो परचेज ऑलवेज क्या रहेगा, डेबिट साइड, तो यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट, कितना रहेगा, 36,000। और यहाँ पर पोला क्या है, पेड बाय चेक, चेक मतलब टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, बैंक अकाउंट आ जाएगा। पैसा कहाँ से जाएगा, बैंक से पैसा जाएगा। तो परचेज की कहाँ लिखना पड़ेगा, डेबिट साइड, तो सबसे पहले परचेज को ढूंढता हूँ, परचेज कहाँ मिला आपको, परचेज ये रहा, परचेज कहाँ लिखेगा, डेबिट में, तो परचेज की डेबिट साइड आ जाएगा यहाँ पर, July 31 लिखूँ। टू क्या, पैसा कहाँ से जा रहा है, बैंक से जा रहा है, तो टू क्या लिखूँ, बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना लिखेगा यहाँ पर, 36,000 रुपीज़ रहेगा, क्लियर है। और देखो बैंक कहाँ पर है, क्रेडिट में, तो बैंक की कहाँ लिखेगी हम, क्रेडिट साइड, यहाँ पर क्या आ जाएगा, July 31 आ जाएगा। बाई क्या रहेगा यहाँ पर, मेरे लिए
परचेज अकाउंट ट्रू रहेगा, क्लियर है। परचेज अकाउंट अमाउंट कितना रहेगा मेरे लिए, 36,000 रुपीज रहेगा, क्लियर है। वन ऑफ द सारे हमने क्या कर दिया, ट्रांजेक्शन कर दिए स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा फटाफट गया, क्योंकि अगर इसको मैं अगर स्लोली स्लोली जाता कछुए की जैसा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, मतलब मोर देन वन आवर हो जाता। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ क्विकली आपको अच्छे से अच्छा पढ़ा के जाऊँ, इसके लिए काम करता हूँ। चलो मैं दूसरी पेन ले लेता हूँ, इसको हम साथ में मिलके टैली कर देते हैं। अभी देखो वेरी फर्स्ट कैश अकाउंट का टैली करना है, तो ये देखो ये 1,40,000 + 8 कितना हो जाएगा, 1,48,000 हो जाएगा। यहाँ पर 39,200 + 3 + 10 करेंगे तो 52,200 हो जाएगा, क्लियर है। तुम मुझे बताओ कौन सा साइड ज़्यादा है आपको, मेरे को तो यही लगता है क्योंकि यही साइड ज़्यादा है, 1,48,000 वाला, क्लियर है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1,48,000 आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1,48,000 आ जाएगा, क्लियर है। माइनस कितना करना है मुझे, 52,200 करोगे तो आपको बैलेंस आ जाएगा 95,000, यहाँ पर अगर 800 रुपीज़ आ जाएगा, क्लियर है। 95,800 रुपीज़ आपको आ जाएगा, क्लियर है। और इसको नाम क्या देना है, बाय बैलेंस क्या लिखेंगे हम, सोचो सोचो क्या लिखेंगे, बैलेंस कैरीड डाउन लिखेंगे। क्यों, फाइंड करते इस समय क्या रहेगा कैरीड डाउन, तो यहाँ पर जुलाई क्या रहेगा, 31st रहेगा, क्योंकि जुलाई महीने में कितने रहते हैं, 31st, नहीं है तो एंट्री में दिया ही गया है क्योंकि लास्ट डेट 31st है। और यही यहाँ पर आ जाएगा 95,800 आ जाएगा। इसको नाम क्या देंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखेंगे, टू यहाँ पर क्या जाएगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन आ जाएगा। अमाउंट कितना रहेगा, जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगस्त 1st आ जाएगा। सेम ऐसे ये मशीनरी कहाँ पर है, डेबिट में, तो मशीनरी की डेबिट में लिखूँ 4,40,000, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, सेम अमाउंट 4,40,000 आ जाएगा, क्लियर है। अभी माइनस करेंगे तो भी ऊपर बैलेंस कितना आ जाएगा, सेम 4,40,000 आ जाएगा। इसको नाम क्या रहेगा, यहाँ पर 2019, यहाँ पर क्या रहेगा, जुलाई 31st लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन, फाइंड कर रहे तो क्या रहेगा, कैरी डाउन यही बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा, तो 4,40,000, और यहाँ पर क्या रहेगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन रहेगा, क्लियर है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, मतलब जैसा बैलेंस है ऐसे ही यहाँ पर आ गया, डेट क्या आ जाएगा, अगस्त 1st आ जाएगा, क्लियर है। अभी काफ़ी कॉलेज में तो ये बनाया भी नहीं होगा, तो मैंने चलो बना ही दूँ। यहाँ पर देखो 70 + 30 कितना होगा, 1,20,000, तो कितना होगा, 1,20,000 हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ 1,00,000 कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। यहाँ पर भी आप करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 1,20,000 हमें आंसर आ जाएगा, क्लियर है। ये दोनों सेट का करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 1,20,000 आ जाएगा। अभी कितना माइनस करना है, ये 400 + 39 + 1,000 माइनस करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 79,600 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 79,600 आंसर आ जाएगा, क्लियर है। सॉरी 79,600 रुपीज़ आ जाएगा। ये क्या हो गया आज मुझे, 79 आ जाएगा, सॉरी 76 मैंने कहाँ लिख दिया, 79,600 रुपीज़ आ जाएगा। आप समझ जाना मैं क्या लिखा है, डोंट वरी मैं यहाँ पर लिखूँगा, मैं इसका तो कोई मतलब है नहीं। यहाँ पर जुलाई 31st क्या रहेगा, बाय बैलेंस कैरीड डाउन रहेगा। यहाँ पर कितना लिखूँ, 79,600, अभी मुझे गलती करनी नहीं है, क्लियर है। और यहाँ पर आ जाएगा अगस्त 1st आ जाएगा, क्लियर है। टू बैलेंस क्या रहेगा, ब्रॉड डाउन रहेगा, क्लियर। सेम ऐसा आगे वाले का भी फटाफट मैं करता हूँ। अगर ये परचेज है तो अगर सारे का अगर मैं टोटल करूँगा तो ये परचेज का मुझे आ जाएगा 1,30,000 + 72 + 70 करेंगे तो 7,769 आ जाएगा। यहाँ सॉरी ये 7 + 2 यहाँ पर 15 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2,55,000 आ जाएगा। इसका भी करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 2,55,000 आ जाएगा, क्लियर है। आप अच्छे से करना मेरी तरह, ज़्यादा क्विकली मत जाना, क्योंकि यहाँ पर भी आ जाएगा 2,55,000 आ जाएगा। यहाँ पर क्या रहेगा, 2019 रहेगा, और डेट मुझे क्या दिया गया है, यहाँ पर जुलाई 31st दिया गया है। क्या लिखेगी हम, बाय बैलेंस कैरीड डाउन लिखेगी, यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन रहेगा, और यही बैलेंस यहाँ पर आएगा तो 2,55,000 क्या रहेगा। यहाँ पर जुलाई के बाद क्या रहेगा, अगस्त 1st, यहाँ पर क्या रहेगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन रहेगा, क्लियर है। वन ऑफ द सिंपल ही एंट्री है, अभी इसका तो सिंपल ही है। कितना आ जाएगा, 40,400 आ जाएगा। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 40,400 रुपीज़ आ जाएगा, क्लियर है। सिंपल ही आप कर सकते हो इजीली। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 40,400 आ जाएगा। इसको नाम क्या देंगे, 2019, यहाँ पर क्या रहेगा, जुलाई 31st क्या रहेगा, यहाँ पर बाय बैलेंस कैरीड डाउन रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन, यही बैलेंस यहाँ पर आएगा तो क्या रहेगा, 40,400
क्या रहेगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन रहेगा। जुलाई के बाद क्या रहेगा, अगस्त, तो यहाँ पर अगस्त फर्स्ट क्या रहेगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन रहेगा। क्लियर है, वन ऑफ द सिंपल एंट्री। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ लिखते रहोगे तो डेफिनेटली आपको भी काफ़ी समझ में आ गया रहेगा। अभी परचेज है तो परचेज का मुझे यही साइड क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं यही साइड का टोटल अगर करेंगे तो 1,80,000+39 में अगर करूँगा तो मुझे आंसर आ जाएगा 2,19,000 आ जाएगा। क्लियर है, 2,19,000 आ जाएगा। तो सेम ये 2,19,000 भी क्या रहेगा, इसी साइड रहेगा। अभी 2,19,000 में से मुझे कितना, 70,36 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 1,66,000 आएगा। आप भी मेरे साथ करते रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा। डोंट वरी, मैं तो काफ़ी सुपर स्पीड से जा रहा हूँ। यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा। यहाँ पर क्या रहेगा, जुलाई 31st, यही बैलेंस इस तरफ आएगा तो 1,66,000। नाम क्या रहेगा, यहाँ पर अगस्त फर्स्ट, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन रहेगा। टू यहाँ पर क्या जाएगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन रुपीज़ रहेगा। क्लियर, अभी स्टेशनरी का तो सिंपल है, 3+2 कितना हो जाएगा, 5,000। चलो फटाफट स्टूडेंट, 5,000 यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये भी 5,000, अभी माइनस करेंगे तो भी इतना आंसर आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। यहाँ पर 2019, यहाँ पर क्या रहेगा, जुलाई 31st क्या रहेगा, यहाँ पर बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन। गलती से समटाइम क्या होता है, यहाँ पर कभी टू लिख दोगे, यहाँ पर बाय लिख दोगे, डोंट वरी, मेरे से भी गलती होती है, पिछले वीडियो में हुई थी, तो डोंट वरी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं, फटाफट हो जाएगा। यहाँ पर क्या रहेगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन रहेगा, टू बैलेंस क्या रहेगा, ब्रॉड डाउन रहेगा। अमाउंट कितना रहेगा, यहाँ पर जुलाई 31st, सॉरी जुलाई नहीं, यहाँ पर अगस्त फर्स्ट आ जाएगा। देखो मैं बात करने रहा तो कुछ छूट गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगस्त फर्स्ट आ जाएगा। सेम ये करोगे तो कितना आ जाएगा, 78,000 आ जाएगा। क्यों, 60+18 78, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 78,000 आ जाएगा। क्लियर है, अभी 78 में से ऊपर करोगे तो भी आंसर कितना आ जाएगा, 78,000 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है, वन ऑफ द सिंपल है। अभी इसका करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा टू, यहाँ पर क्या रहेगा, बैलेंस कैरिड डाउन रहेगा। क्लियर है, अमाउंट कितना रहेगा, डेट क्या रहेगा, 2019, यहाँ पर क्या रहेगा, जुलाई 31st रहेगा, यही यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या रहेगा, 78,000 क्या रहेगा, जुलाई के बाद क्या रहेगा, अगस्त फर्स्ट क्या रहेगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन रहेगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन रहेगा। अभी ये साइड का करेंगे, देखो अभी आप सेल्स का इस साइड का टोटल करोगे तो आ जाएगा 4,00,000, आपको 18,000 आ जाएगा। और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 4,18,000 आपको आंसर आ जाएगा। ऊपर भी बैलेंस भी कितना आ जाएगा, 4,18,000 आ जाएगा। यहाँ पर क्या रहेगा, 2019, यहाँ पर क्या रहेगा, जुलाई 31st, यहाँ पर क्या रहेगा, टू बैलेंस कैरी डाउन रहेगा। सेम ये बैलेंस यहाँ पर आएगा तो 4,18,000, डेट क्या रहेगा, अगस्त फर्स्ट, बाय बैलेंस क्या रहेगा, ब्रॉड डाउन रहेगा। यहाँ पर बाय बैलेंस क्या आ जाएगा, ब्रॉड डाउन आ जाएगा। क्लियर है, वन ऑफ द सिंपल है। एक काम करते आगे का आप लोग कर दो, मैं भी वीडियो स्टॉप करके कर देता हूँ, दो ही पेज का बचा है। अभी देखोगे तो मैंने एक्स्ट्रा कुछ बनाया ही नहीं, तो एक्स्ट्रा पेज ऐसे ही पड़ा रहा, ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। अगर मैं वीडियो बनाने के लिए बैठता तो काफ़ी एकदम मिसमैच हो जाता है। इसके लिए देखो मैंने एडवांस में ये अगर दो पेज नहीं, मेरा तीन पेज का फॉर्मेट ऐसे ही रहा। डोंट वरी, कोई बात नहीं। चलो वीडियो आप भी, मैं स्टॉप करके ये सारे का बना दे तो आप भी बना लीजिए। जैसा आप देख सकते हो मैंने सारे का क्या कर दिया, बैलेंस कैरिड डाउन फाइंड कर दिया। डोंट वरी, एंड में मैं आपको इसका पिक सेंड करूँगा तो आप वहाँ पर देख लेना मैंने क्या किया। और ये दो तीन पेज मेरे खाली है तो ऐसे ही वेस्ट। यहाँ पर अगर सम में अगर क्लियरली बोला गया था, क्या बोला गया था, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st, अब प्रिपेयर क्या प्रिपेयर करना है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st जुलाई 2019। तो यहाँ पर मैं लिख दिया इन द बुक्स ऑफ पवन पवार, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st जुलाई 2019, डेबिट बैलेंस क्रेडिट, मतलब जिसका डेबिट बैलेंस है कहाँ आएगा, डेबिट में, क्रेडिट बैलेंस है कहाँ जाएगा, क्रेडिट में आएगा। ऑलरेडी मैंने जब इसके इंट्रोडक्शन करा रहा था तब मैंने आपके ट्रायल बैलेंस के दोनों फॉर्मेट बताए थे, एक टी फॉर्मेट होता है और दूसरा जनरल फॉर्मेट होता है। ये मैंने टी फॉर्मेट में बना गया है, मतलब देखो डेबिट में डेबिट का, क्रेडिट में क्रेडिट का। जैसा अगर आप स्टार्टिंग से भी यहाँ पर देखना है, देखो कैश का 1 अगस्त का कहाँ पर आपको मिला, यहाँ पर 1 अगस्त टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कहाँ पर मिला, डेबिट में। तो कैश की कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड में। क्लियर है, जिसका जो बैलेंस मिला वही साइड लिखेंगे। कैश का कितना यहाँ पर आया था, 95,800। तो यहाँ पर क्या लिखना है, अगर कैश अकाउंट आ जाएगा यहाँ पर खाली आपको कैश अकाउंट लिखना, अकाउंट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। चलो कैश अकाउंट कितना आया था, 95,800 आ गया था। क्लियर है, सेम ऐसा देखो यहाँ पर अभी मशीनरी का भी काम मिला था, डेबिट में ही मिला था, कितना आया था,
4,40,000, तो यहाँ पर भी मशीनरी, तो यहाँ पर मैं लिखूँ मशीनरी अकाउंट, क्लियर है, मशीनरी अकाउंट 4,40,000 मिला, तो मैं मशीनरी का भी कितना लिख दूँ, 4,40,000 मिलूँ। अभी रश्मि का अगर देखोगे एंड में तो कितना आया था, डेबिट में ही आया था 79,600, तो रश्मि का भी कहाँ लिखूँगा, डेबिट में 79,600, क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा रश्मि अकाउंट, रश्मि अकाउंट कितना आया था 79,600। आगे परचेस का कहाँ मिला था आपको, डेबिट में 2,55,000, तो परचेस भी कहाँ, सब बोलोगे तू सर डेबिट में ही आएगा, जैसा आया वैसा मैं लिख रहा हूँ, तू यहाँ पर क्या रहेगा, परचेज अकाउंट 2,55,000। उसके बाद देखो सेल्स रिटर्न का मिला था हमें डेबिट में, तो सेल्स रिटर्न का भी डेबिट में कितना था, 40,400, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 40,400 आ जाएगा, क्लियर है। तो 40,400 किसका है, ये सेल्स रिटर्न अकाउंट, तो यहाँ पर आ जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट मैं लिख दूँ, क्लियर है, जैसा आया था वैसे ही लिख देना, बस सिंपल। अभी बैंक का भी देखो डेबिट में कितना आया था, 1,66,000 आया था, तो डेबिट में कितना लिख दूँ, बैंक अकाउंट 1,66,000 नाम क्या रहेगा यहाँ पर, बैंक अकाउंट मैं क्या करूँ लिख दूँ, क्लियर है, मतलब तो सिंपल ही है। अभी देखो स्टेशनरी भी कहाँ आया था, डेबिट में 5,000, तो यहाँ पर भी कितना लिखूँ, 5,000 किसका नाम रहेगा, स्टेशनरी का नाम रहेगा, तो 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टेशनरी अकाउंट 5,000 आ जाएगा, क्लियर है, सिंपल ही है। अभी देखो परचेज रिटर्न कहाँ आया था, क्रेडिट में, तो कितना आया था 78,000, तो यहाँ पर क्रेडिट में क्या लिखूँ, परचेज रिटर्न, तो यहाँ पर मैं लिखूँ परचेज रिटर्न अकाउंट अमाउंट कितना था, 78,000 था, क्लियर है। अभी देखो ये सेल्स भी कहाँ आया था, क्रेडिट में 4,18,000, तो यहाँ पर भी कितना लिखूँ, 4,18,000 मैं क्या करूँ लिख दूँ, ये किसका अमाउंट है, सेल्स का अमाउंट दिया गया है मुझे, क्लियर है, वन ऑफ द सिंपल है। जिसका मतलब जो 1 अगस्त वाला है, देखो अभी यहाँ पर 1 अगस्त वाला कहाँ पर है, क्रेडिट में, नाम क्या दिया है, कैपिटल, तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल अकाउंट, क्लियर है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ कैपिटल अकाउंट अमाउंट कितना दिया गया है मुझे, 5,20,000 आया है बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो अभी इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ पर आया, क्रेडिट में ही आया, इंटरेस्ट का कितना है 6,000, तो यहाँ पर 6,000 लिखूँ मैं इंटरेस्ट अकाउंट, तो यहाँ पर 6,000 रुपीज़ मैं क्या लिख दूँ, इंटरेस्ट अकाउंट मैं क्या करूँ लिख दूँ, क्लियर, इंटरेस्ट अकाउंट। अभी देखोगे यहाँ पर राकेश कहाँ पर आया है, राकेश का भी देखोगे तो क्रेडिट में आया, कितना है 70,000 आया है, क्लियर है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ राकेश अकाउंट, तो यहाँ पर आ जाएगा राकेश अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है, 70,000। इसका एक ही सम दिया गया है ट्रायल बैलेंस का, ट्रायल बैलेंस जनरली एग्जाम में आएगा नहीं। अभी डिस्काउंट रिसीव कहाँ पर है, क्रेडिट में, तो उसकी भी कहाँ लिखे, क्रेडिट में 800 रुपीज़, किस चीज़ का है, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, तो यहाँ पर आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव अकाउंट अमाउंट कितना दिया, 800 दिया। अब इसके बाद डिस्काउंट अलाउ कहाँ है, डेबिट में 1,000 रुपीज़, तो 1,000 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगा डिस्काउंट अलाउ आ जाएगा, क्लियर, यहाँ पर आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट आ जाएगा, क्लियर, अलाउड अकाउंट कितना आ गया, 1,000 रुपीज़ आ गया। उसके बाद सैलरी का भी देखो डेबिट में ये कितना है, 10,000, तो यहाँ पर सैलरी भी कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा, सैलरी अकाउंट कितना है, 10,000 रुपीज़ दिया गया, बस और कुछ हमें दिया नहीं है, बाकी का तो मेरा ब्लैंक है। अभी देखो ये सारे का क्या करना है, टोटल करना है, मैं चाहूँ चलो इन दोनों सेट का क्या करते हैं, टैली करते हैं, तो जैसा आपको यहाँ पर कैलसी में दिखता रहेगा, मैं क्या कर रहा हूँ, एक काम करता हूँ, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पर देखो ये पहला कितना था, यहाँ पर 95,800, तो यहाँ पर मैं कितना टाइप करूँ, 95,800, उसके बाद कितना दिया है, 4,40,000, आपको एग्ज़ाम में कैलसी अलाउ नहीं है तो कॉमेंट में मत पूछना। उसके बाद कितना है, 2,55,000, उसके बाद कितना है, 4,40,400, उसके बाद कितना दिया गया है मुझे, 1,66,000 दिया गया है, उसके बाद कितना दिया गया है, 5,000 दिया गया है, उसके बाद मुझे 1,000 दिया गया है, उसके बाद मुझे कितना दिया गया है, 10,000 दिया गया है। तो आप देखोगे तो मेरा टोटल कितना आया यहाँ पर, 10,92,800 आया। तो यहाँ पर मैं कितना लिख दूँ, 10,92,800 रुपीज़ लिख दूँ। अभी देखो क्रेडिट सेट का टोटल भी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तो जैसा अब यहाँ पर मैं लिखूँ 78,000 प्लस कितना लिखूँ, 4,18,000 प्लस 5,20,000 प्लस 6,000 प्लस 70,000 प्लस 800, क्लियर है। तो देखोगे तो कितना है, 10,92,000
800 रुपीस आ गया, क्लियर। इसके साथ हमने क्या करे, देखोगे दोनों का टोटल्स क्या आया, राइट आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। इसके साथ हमने सारे जो लेजर का सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कर दिए। अगर जिन्होंने सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम किए मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, हम उसके लिए कुछ गिफ्ट का ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इसका एंड में मैं आपको पिक भी प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट।